एंड आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट लीगल टर्मिनोलॉजी से रिविजंस भी बनाए हुए हैं टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट हेट स्पीच। Greetings everyone. On behalf of Pathshala Classes, I, Vaibhavi Batra, welcomes you all on our YouTube channel. Today is lecture 27th of our online CLAT marathon series and आज हम एक बहुत important legal terminology से discuss करेंगे, जिसके बारे में discuss करेंगे. It is known as hate speech. Hate speech से बहुत general अगर हम at a glance देखें तो इसका meaning होता है hate मतलब किसी के ऑपोजिशन में बोलना है, किसी की बुराई करना एंड स्पीच टू गेट वोकल अबाउट इट ईदर रिटन और इन राइटिंग, दैट इज हेट स्पीच. ओके, अब हम कुछ जानते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी, इसका डेफिनेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने दिया हुआ है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग जिसके अगेंस्ट वायलेंस बहुत उठ रहा है. लाइक इफ समबडी इज रिमार्किंग समथिंग इन ऑपोजिशन और इन हेट रिगार्डिंग अदर सेक्ट, देन डेफिनेटली फॉर मैं आपको बहुत रिसेंट एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे भी सनातन धर्म, इराडिकेट सनातन धर्म, इसका बहुत हुआ था, तो दैट इज हेट स्पीच. ओके, एंड जो आप बुराई करते हैं यहाँ पे एक सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन, लीगल सेंस में सिर्फ आप एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक रेस, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन. ओके, तो इट्स लाइक दैट. तो अब हम एक बार डेफिनेशंस देखते हैं प्रॉपर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने दी हुई है, येट देन देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन, सबने अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर रखा है, बट दे मोर ऑर लेस दे ऑल आर इंटर रिलेटेड. ओके, तो पहले तो हम देखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्या डिफाइंड है. ये इट्स अ पब्लिक स्पीच दैट एक्सप्रेसेस हेट और इनकरेजेस वायलेंस टुवर्ड्स अ पर्सन और अ ग्रुप बेस्ड ऑन समथिंग सच एज रेस, रिलीजन, सेक्स, मेल फीमेल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन, गे, लेस्बियंस, ट्रांसजेंडर्स, बाइसेक्सुअल्स, लाइक दैट. ओके, इन लेमैन टर्म्स, अब्यूजिव और थ्रेटनिंग स्पीच और राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस प्रेजुडिस ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सिमिलर ग्राउंड्स. ओके, एंड इवन लॉ कमीशन ने भी एक डेफिनेशन इसके लिए स्टेट की है जो हमें याद रखनी चाहिए. पहले तो कौन सी रिपोर्ट ने स्टेट की, 267th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ने डेफिनेशन दी है हेट स्पीच की. इट हैज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट मतलब एक्टिव ऑपोजिशन और एक्टिव हेट टू हेट्रेड प्राइमरी अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीव्स एंड द लाइक. ओके, अब जब हेट स्पीच है एंड तो ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे पार्लियामेंट ने डेफिनेटली कुछ प्रोविजंस भी बनाए हुए हैं टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट हेट स्पीच. तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. फर्स्ट इज द मेजर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेट स्पीच. आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन हेट स्पीच भी उसमें इंक्लूडेड होगा या डिफेमेशन भी इंक्लूडेड होगा. एंड एक्सप्रेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल सिटीजंस. आर्टिकल 19(2) ऑन द अदर हैंड इम्पोजेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. अब मैंने आपको बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी है. फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप हमेशा सबकी बुराई नहीं कर सकते हो या बुरा भला नहीं बोल सकते हो, ठीक है, तो उसको उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन दिस राइट, बैलेंसिंग इट्स यूज एंड मिसयूज, कि पीपल या ऑफिशियल्स या कोई भी मेंबर ऑफ द सोसाइटी उसको मिसयूज ना करे. रिस्ट्रिक्शन क्या है, आर अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिग्निटी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंस्टिगेटिंग एन ऑफेंस. ओके, नेक्स्ट इज इंडियन पीनल कोड में क्या प्रोविजन है, हम देखते हैं. अब इंडियन पीनल कोड में
तीन जगह चीज दी हुई है. फर्स्ट इज सेक्शन 153A एंड 153B. इसमें क्या है, इट पनिश एक्ट्स दैट कॉज एनिमिटी एंड हेट्रेड बिटवीन ग्रुप्स. एनिमिटी मतलब हॉस्टैलिटी, एक्टिव ऑपोजिशन और हेट्रेड बिटवीन द ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ए ने ग्रुप बी के सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे कमेंट कर दिया, लाइक जैसे अ स्ट्रेट गाय हैज कमेंटेड ऑन गे पीपल, देन इट गिव्स राइज टू द वायलेंस, टू द हेट्रेड, एंड दिस इज नॉट राइट. सो ये हेट स्पीच ना हो इसलिए एक्ट्स पनिश किए जाते हैं. Then it's section 295A of the IPC deals with the punishing acts which deliberately, मतलब जान पूछ के, और with malicious intention, outrage the religious feelings of a class of persons. For example, recent कई मैंने आपको भी initially बताया था कि eradicate सनातन धर्म, तो आप एक हिंदू पे, हिंदू धर्म की ideology पे अटैक हो रहा है, ठीक है, तो वो ना हो. देन सेक्शन 5051 एंड 5052 मेक्स द पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ कंटेंट दैट मे कॉज इल विल और हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. अगर आप वोकल नहीं बोल रहे, आप लिख के हेट स्पीच सब में फैला रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल. ओके, then we comes to Representation of People's Act 1951. इसका जो सेक्शन 8 है, prevents a person convicted of illegal use of the freedom of speech from contesting an election. जिसने freedom of speech का illegal use किया है, वो election contest नहीं कर सकता है. then sections 123, 3A and 125 of the same act bars the promotion of feelings of enmity or hatred between different classes of citizens of India on the grounds of race, religion, community, caste or language in reference to elections and include under corrupt electoral practices. Okay. Then we have scheduled castes and scheduled tribes. Generally India mein caste system bahut hai, to obviously usse regarding hate speech bhi bahut hoti hai. Ye kuch, not sab jagah, but kuch set of the territory abhi bhi hai. Matlab there is prominent caste discrimination and people tend to make comments or speech regarding that. That is hate speech regarding the other set or a community. So for preventing them, preventing hate speech targeting scheduled caste or scheduled tribes in any place within public view. Then hai protection of civil rights act mein hai, penalizes incitement to an encouragement of untouchability through words, either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise. I hope this is very clear to everyone. अब इंडिया में कुछ केसेस हैं जिसने हाईलाइट किया है कि दैट प्रॉपर प्रोविजंस शुड बी मेड रिगार्डिंग हेट स्पीच, एंड इवन लॉ कमीशन को भी बोला गया है, बिकॉज कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट नहीं है इस पे जिसपे रिलाय किया जा सकता है, ठीक है, एंड नीदर देयर इज अ प्रॉपर यू नो रिटन कोड रिगार्डिंग हेट स्पीच. तो इसमें क्या होता है, जनरली जो मैंने आपको प्रोविजन बताए हैं इससे ही इंटरप्रेट करके पनिश किया जाता है. तो हम एक केस देखते हैं, या यू हैव टू रिमेंबर दीज केसेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेज रिगार्डिंग हेट स्पीच. शाहीन अब्दुल्ला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2022, इट्स अ वेरी रिसेंट केस. तो इसमें आपको डिटेल में भी नहीं जाना है, बट अगर आपको है तो आप पढ़ सकते हैं कुछ. तो religious comments were made regarding the other community and usse ye case born hua hai. To hum dekh lete hain ki supreme court ne kya bola. Supreme court of india observed that there cannot be fraternity unless different religious communities are amenable to live in harmony. Jab tak wo ek dusre ke sath harmony mein nahi reh sakte tab tak fraternity nahi ho sakti, और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व नहीं हो सकती है. द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ हेट स्पीचेस इन द कंट्री एंड हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट एंड पुलिस अथॉरिटीज टू टेक सुओ मोटो एक्शन. सुओ मोटो मींस अपने आप खुद अगर हेट स्पीच का एक्शन है, केसेस विदाउट वेटिंग फॉर लॉजिंग ऑफ फॉर्मल
कंप्लेंट्स एंड जो ये सनातन धर्म का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये केस साइट किया है एज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसको मद्देनजर रखते हुए. ओके, देन वी हैव प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट पिनलाइज हेट स्पीच एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, ये मैंने बताया इन इंडिया. इंस्टेड द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्लीज लॉ कमीशन आप कुछ करिए, कुछ इशू करिए इस पे टू ऑर्डर अवॉइड स्टेपिंग इनटू द फोरम ऑफ जुडिशियल ओवर रीच. यू हैव टू मेक सम रूल्स, यू हैव टू गिव सम गाइडलाइंस रिगार्डिंग दिस. ओके, देन श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट्स अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. 2015 इश्यूज वर रेज्ड अबाउट सेक्शन 66A of the IT Act relating to the fundamental right of free speech and expressions guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution, where the court differentiated between discussion. मतलब जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज को oppose कर रहे हो तो वो हेट स्पीच है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला, तो उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि देयर इज अ बिटवीन डिस्कशन, एडवोकेसी एंड इंसाइटमेंट. इन तीनों में बहुत फर्क है और इसको मद्देनजर रखते हुए ही आपको रूल आउट करना है. द फर्स्ट टू वर द एसेंस ऑफ द आर्टिकल 19(1), डिस्कशन एंड एडवोकेसी ही उसका एसेंस है. आर्टिकल 19(1) का फ्रीडम ऑफ स्पीच में अलाउड है, बट जो इंसाइटमेंट है हेट्रेड का, इंसाइटमेंट, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ओके, अब ये न्यूज में क्यों है, मेन क्वेश्चन, ये मैंने टॉपिक क्यों हटाया. तो अभी एनालिसिस हुआ, पूरी रिपोर्ट्स बनी एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट 107 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैव पेंडिंग हेट स्पीच केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम. ओके, एंड एनालिसिस ये किसने किया था, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने एंड नेशनल इलेक्शन वॉच न्यू ने. जो ADR है इट्स एन NGO एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 इन न्यू दिल्ली को मैं ND लिख रही हूँ. एंड जो ये आपका न्यू इलेक्शन वॉच है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 1200 NGOs एंड ये आपकी इंडिया की वर्किंग डेमोक्रेसी की वर्किंग में हेल्प आउट करने के लिए दे क्रिएट अ रिपोर्ट एंड टारगेट द सेम एंड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें हेल्प आउट करते हैं. ओके, सच फाइंडिंग्स हाईलाइट द नीड ऑफ एथिकल कंडक्ट अमंग दोज इन पोजीशंस ऑफ द पावर. ठीक है, एंड इसके साथ एक चीज और है कि सुप्रीम कोर्ट ने केसेस निकाले हैं जिसमें जिसके थ्रू उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कुछ फॉर द एथिकल कंडक्ट ऑफ हेट स्पीच. मतलब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट स्टिल दे हैव प्रोवाइडेड फॉर सम गाइडलाइंस एंड द केसेस नेम्स आर तहसीन पूनावाला versus Union of India and second case is Blur Film Society case 2018. Okay, and इसमें कुछ guidelines जो दी थी, first तो हो गया fast track trials, then second one is victim compensation, then third is proper officer should be appointed, officers appointment particularly for this purpose. Okay, and then obviously provisions should be made. So these are few things which have to be kept in mind. Okay, regarding the hate speech, अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिससे हेट स्पीच रिजॉल्व हो सकती है वो भी देख लेते हैं. द फर्स्ट इज एजुकेशन का प्रमोशन. ऑब्वियसली जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, प्रमोट नहीं होंगे, उनको डिफरेंस नहीं पता होगा एडवोकेसी इंसाइनमेंट और इंसाइटमेंट एंड डिस्कशंस में. एंड क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या इंक्लूडेड है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं,
तब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, तो दे शुड बी एजुकेटेड एंड अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेट स्पीच, इम्फेसाइजिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. सेकेंड इज स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग लॉज और इनएक्ट न्यू वन स्पेसिफिकली टारगेटिंग हेट स्पीच. ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को बोला है, complemented by other measures such as media literacy, dialogue, counter speech, self-regulation and civil society engagement. Third is, these measures can help prevent hate speech from spreading, challenge its narratives, promote alternative voices and foster a culture of tolerance and respect towards other race, caste, sex, religion, religious orientation, ethnicity, etc. Establish and enforce codes of conduct for legislators, holding lawmakers and political parties accountable for hate speech and promoting media ethics to discourage its spreading. Okay, and I think this is all clear. There's nothing more to add. And hate speech पब्लिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल पे तो बहुत ज्यादा है, ये आपने देखा 107 पेंडिंग केसेस है. बट ऑन लोअर लेवल एट, जैसे जो हम छोटी मोटी लड़ाई देखते हैं, जो जनरली सिविल आउटब्रेक्स होते हैं कंट्री के अंदर, वो इसी बेसिस पे होते हैं. इट इज मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑन हेट स्पीच. सो यू हैव टू यू नो थिंक बिफोर यू स्पीक, इसलिए बोलते हैं. आपको अपना जो दिमाग है वे यूज करना है, एंड यू कैन नॉट जस्ट गो एंड ब्लैबर एनीथिंग अबाउट एनीबॉडी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, एंड आई थिंक दिस वाज अ वेरी पेंडिंग एंड अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोग से डिस्कस करना था. नेक्स्ट टॉपिक भी हम और इंटरेस्टिंग लाएंगे. तो हैव अ गुड डे. कुछ भी प्रॉब्लम हो जस्ट पोस्ट ऑन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू.